तो तीन कृषि कानून के वापसी के बाद लगातार किसान जो उत्साह मना रहे हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। किसान बिलों के विरोध में लेकर लगातार किसान जो संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन किसान बिलों को वापस लेने की बात कही है। उसको लेकर किसान संगठनों में किस तरीके का खुशी जाहिर होती है, किस तरीके से उसको निर्णय को देखते हैं, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को किस तरीके से वो देखते हैं। जी राजवीर जी, जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है बिल वापसी का, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि काले कानून लाए और उन्होंने वापस कर लिए, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन एक लंबी लड़ाई 13 माह से लड़ रही है कि MSP की गारंटी दो, डीजल के मूल्य में कटौती करो, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं जिस पर अभी कोई चर्चा नहीं, MSP की जहां तक माननीय प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। ये जो 56 इंच की छाती आज शायद मुझे लगता है उन्होंने चौड़ी की है, तो मैं बधाई और शुभकामना भी देना चाहूँगा। लेकिन अब होगा क्या कि जब 700 से अधिक बॉर्डरों पर जो हमारे किसानों ने दम तोड़ा है, शहीद हुए हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं उनको, आश्रित परिवारों को मुआवजा दिया जाए, घर में एक नौकरी दे दी जाए, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं जो जिन पर अभी मामला अधूरा लटका हुआ है। 22 नवंबर को परसों लखनऊ में एक महापंचायत हो रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसमें माननीय राकेश टिकैत सहित हिंदुस्तान के बड़े बड़े किसान नेता उसमें भाग ले रहे हैं। उस पर क्या निर्णय होगा, जो निर्णय होगा वो स्वीकार करेंगे। जिस तरह से आगरा जनपद से लेकर दिल्ली तक हमारे किसानों ने, हमारे मीडिया बंधुओं ने जो हमारा सहयोग दिया, मैं उनकी सराहना भी करना चाहूँगा। आज किसानों को असल में पता लग गया कि किसान की ताकत क्या होती है। जिस तरह से चारों तरफ से कॉरपोरेट घरानों का जो फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा था, इतने लंबे दबाव में ये काम हुआ है। मैं बहुत बहुत किसानों की सराहना करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज किसानों की जीत हुई है। क्या लगता है कि 5 स्टेटों में इस समय UP विधानसभा का चुनाव आना है, उत्तर प्रदेश में भी 2022 में चुनाव है, तो क्या लगता है कि ये निर्णय जो किसान भाजपा सरकार से रुष्ट हो रहे थे उनको मनाने के लिए, तो कहीं ये निर्णय हो सकता है कि ये निर्णय इसी बात को लेकर हुआ हो। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जब MSP पे कोई चर्चा नहीं की है, MSP एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा गेहूँ यदि 2500 रुपये कुंटल जाता है, MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उसके बावजूद 1500 से 1600 रुपये 1700 रुपये कुंटल जो गेहूँ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ इसको कानून के दायरे में लाया जाए कि इससे कम कीमत पर कोई लेता है, तो एक कानूनी दायरा होना चाहिए, कानून बननी चाहिए। जी निश्चित तौर पर ये जिलाध्यक्ष जो किसान यूनियन भारतीय संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं राजवीर लवानिया, उनका कहना है कि MSP पर जब तक कानून लगा हुआ टैक्स नहीं हट जाता, जब तक ये किसान बॉर्डरों से नहीं हटेगा। आगरा से मनोज चार, इंडिया न्यूज़।